नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज खंडेलवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस क्लास में, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर पेपर 3 सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स। आपको इस पेपर के बारे में अच्छी तरह पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट आंसर के आपको 1 मार्क अवार्ड किए जाएंगे और गलत आंसर के आपके एवरी रॉन्ग क्वेश्चन विल कॉस्ट यू 1/4 मार्क्स, 0.25 मार्क्स, और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो ये एग्जाम का आपको अच्छी तरह पता हो, और एग्जाम आपके लिए जो होगा वो 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 120 मिनट्स बोल सकते हो और 7200 सेकेंड्स बोल सकते हो, एंड इफ यू डिवाइड बाई 100 देन यू गेट 72 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो ये ऑन एन एवरेज आपका हर क्वेश्चन का ड्यूरेशन रहता है। स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट का जो रियल पर्पज होता है वो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, इन सभी का जो है टेस्ट होता है। तो आपको जितना मॉक टेस्ट की हेल्प मिल सकती है आप जरूर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, अगर हमको आता है तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। डेफिनेटली हमें पढ़ाते हुए, स्पेशली मुझे पढ़ाते हुए 20 ईयर्स हो गए, तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स देखी है, और उन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सब एक जैसी होती है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है हो सकता है उसका सॉल्यूशन हो हमारे पास, तो बिल्कुल आप हेजिटेट मत कीजिएगा। आप अपने जो सर हैं उनसे कोई भी चीज़ छुपाएंगे तो वो आपका इलाज नहीं कर सकते। तो आप फ्रेंकली पूछिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट लिखिए। आप यूनिकॉम चैनल के वीडियो जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आती है तो भी नीचे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अब चलिए हम पेपर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जहाँ से आप मिनिमम 60 और 70 मार्क्स कवर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैथमेटिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट वो तो आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी के आते हैं। फाइनली एन्यूटी के 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसकी हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप वीडियोस देख सकते हैं यूनिकॉर्न चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको मैथमेटिक्स सेक्शन में इस चैप्टर के सभी वीडियोस मिलेंगे, और किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी हेल्प मिल सकती है। और आप अपने कैलकुलेटर पे परसेंटेज का बटन यूज़ कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं 10%, और अगर मान लो कंपाउंड है तो दोबारा जो इंक्रीज्ड वैल्यू उस पर आप 10% बढ़ा सकते हैं। तो कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। तो ये तो बात थी आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स जो स्ट्रांगली प्रिपेयर करें। सेकंड चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में आती है, इसके भी वीडियोज अवेलेबल है आपके प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाला चैप्टर ले लीजिएगा, चैप्टर 2। तो अभी तक मैं आपको 3 चैप्टर बता चुका हूँ, चैप्टर 4, देन चैप्टर 1, देन चैप्टर 2। उसके बाद में आप नेक्स्ट चैप्टर लीजिएगा एपी एंड जीपी, तो वो आपको आसान लगेगा, वो चैप्टर कर सकते हैं, और उसकी भी ट्रिक्स हमने प्लेलिस्ट में वीडियो देखेगा वहाँ मिलेगी आपको। और उसके बाद में एपी जीपी के बाद आप सेट्स के क्वेश्चन कीजिएगा, वो भी आपको हेल्प मिल सकती है, उसके क्वेश्चन भी पूरी तरह से सॉल्व किए गए हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं और बेसिक तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा एफर्ट्स मान लो आप लगाएंगे तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपको अगर आता है, अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स थी तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज इतना काफ़ी है मैथमेटिक्स साइड से ताकि आप कंफर्टेबली 25 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको तैयारी करनी है तो मैंने आपको कहा पी एंड सी कर लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड देन यू कैन गो फॉर द फाइनल चैप्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट। तो ये था मैथमेटिक्स में, तो मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, यूनिकॉर्न टीम की तरफ से शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा करें तो मॉक टेस्ट में हम आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और आपको जरूर आपको फीडबैक देंगे। देखिए कोई भी टेस्ट होता है उसको घबराना नहीं, आपको अपनी पूरी तैयारी करके जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है इससे आपका कोई सिलेक्शन वाला मामला नहीं जुड़ा हुआ, ये आपका टेस्ट है। टेस्ट को सीरियसली दें, रियल टाइम टेस्ट दें। आप 2 घंटे अपने घड़ी सामने रखें, पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, डिसीजन मेकिंग क्विक हो, एरर्स कम हो, एक्यूरेसी ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट्स इतना ही मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको फिर नेक्स्ट मिलेंगे जब आपका अभी टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में जो आपका वीडियो है एनालिसिस वीडियो उसके अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।